Good morning, students. Welcome to online class. So let's start chapter number 11, the human eye and the colorful world. In previous class, we discussed about that parts of that eye and its function. So and defects of vision in human eye, that is myopia, hypermetropia, presbyopia. Today we discussed about that what is prism. So what is spectrum? So what is dispersion of light? So and then recombination of prism. These are the topic. Okay. Prism. It is a pyramidal piece of glass with two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. So ये prism को देखेंगे तो हमें base क्या दिखाई देगा? Two rectangular bases दिखाई देगा और three rectangular lateral surfaces. Okay, so that is called as a prism. Angle of prism, so the angle between the two adjacent lateral surfaces. Do adjacent lateral surfaces ko jo beech mein rehta hai usi ko hum bolte hain angle of prism. Okay, so isme PQR ek prism hai. So AB is a incident ray. Yeah, aur incident ray jab fall hota hai prism ke upar aur side PQ ki taraf to रिफ्रैक्टेड हो जाता है. सो रिफ्रैक्टेड जो पॉइंट है बी और सी. सो रिफ्रैक्टेड मींस बेंडिंग ऑफ लाइट. सो बेंड होकर बी सी पॉइंट बना लेगा उसी के अंदर प्रिज्म के अंदर. वापस प्रिज्म से और एक तरफ दैट इज पी आर साइड की तरफ तो बाहर निकलेगा जो रे दैट इज इमर्जेंट रे होता है वो दैट इज सी डी. ओके, सो और एन एन डैश है नॉर्मल है एट द पॉइंट बी पे और एम एम डैश है सो दैट इज नॉर्मल है एट द पॉइंट सी है फिर. सो हम ए बी है जो इंसिडेंट रे है और सी डी है इमर्जेंट रे है उसको एक्सटेंड करते जाएंगे. तो हम एक्सटेंड करेंगे तो डॉटेड लाइन शो करेंगे क्योंकि अंदर तो पॉसिबल नहीं है बताना. तो हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन शो करेंगे तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे ओ पॉइंट. ओके, सो ओ पॉइंट को हम जो एंगल बनाएगा एक दैट इज डी ओ सी. सो एक एंगल बनाया है ये, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. ओके, सो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है बोलते हैं इट इज एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिविएशन. सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दैट इज व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म. वाइट लाइट है या स्पेक्ट्रम क्या होता है. ओके, सो अब बता रहे हैं डिस्पर्शन डेफिनेशन है देखना. सो व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म ए बैंड ऑफ सेवन कलर्स. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन. सो ये देखो एक प्रिज्म है डायग्राम में बता रहे जो और ए बी है वो है ए बीम ऑफ वाइट लाइट पास कर रहा है प्रिज्म के अंदर. ओके, सो जैसे ही वाइट लाइट पास हो रहा है प्रिज्म के अंदर सो क्या होगा एक स्प्लिट्स हो जाएगा वाइट कलर. सो सेवन कॉन्स्टिट्यूट कलर्स फॉर्मेशन करेगा ए बैंड ऑफ सेवन कलर्स. सो फॉर्मेशन करेगा सो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ए डिस्पर्शन. उस फिनोमिनन को डिस्पर्शन कहते हैं फिर. सो स्पेक्ट्रम क्या होता है फिर द बैंड ऑफ सेवन कलर्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. मतलब एक वाइट लाइट डिस्पर्शन होने के कारण एक बैंड ऑफ सेवन कलर्स फॉर्मेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम. सो आपको ये देखो येलो कलर दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन है. स्क्रीन के ऊपर आपको सेवन कलर्स दिखाई देगा सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर. सो नेक्स्ट है एक्रोनम. एक्रोनम मीन्स इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट सिक्वेंशियल कलर्स इन स्पेक्ट्रम. सो ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स हैं जो सिक्वेंस में बताता है कि दैट्स बैंड ऑफ सेवन कलर्स में फर्स्ट कौन सा आएगा सेकेंड कौन सा आएगा थर्ड कौन सा आएगा जो एक सीक्वेंस में बताता है उसको हम बोलते हैं एक्रोनम. ये कौन सा सीक्वेंस में आएगा बोलो तो याद रखना है विबग्यार. विबग्यार स्पेलिंग वी आई बी जी वाई ओ आर. विबग्यार होता है जैसे वायलेट है इंडिगो है ब्लू है ग्रीन है येलो है ऑरेंज है रेड है. ये है ऐसे सीक्वेंस में ही सेवन कलर्स आता है फिर. ओके, नेक्स्ट एंगल ऑफ डिविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ.
यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स सो रेड इज़ द लीस्ट डिविएट कलर एज इट हैज़ ए लार्जेस्ट वेवलेंथ। देखो रेड है सबसे कम डिविएट यानी बेंड होता है, क्यों? ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है क्योंकि देखो विब्यार में फर्स्ट लेटर वी है, लास्ट लेटर आर है, तो रेड सबसे कम डिविएट होता है। और वायलेट है सबसे ज़्यादा डिविएट होता है क्योंकि इट इज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल, तो ये सबसे कम दैट इज डिविएट होता है जो रेड है, और सबसे ज़्यादा डिविएट होता है जो वायलेट है फिर, क्योंकि वायलेट में स्मॉलर वेवलेंथ होता है और रेड में लार्जर वेवलेंथ होता है। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, और सीक्वेंस में ही लिखना है आपको विबगियर सीक्वेंस में, और सबसे लीस्ट डिविएट होता है जो रेड, सबसे ज़्यादा डिविएट होता है जो वायलेट। ओके तो क्वेश्चन है, देखना व्हाइट स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। सो ग्लास प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट पास कराएंगे तो 7+Q फॉर्मेशन होता है, फिर स्पेक्ट्रम क्यू फॉर्मेशन होता है। सो ईच कलर हैज़ अ डेफिनेट वेवलेंथ एंड फॉर ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डिविएशन डिफर्स, यानी सबका कलर का भी एक डेफिनेट वेवलेंथ होता है, यानी सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है सारे कलर्स का, उसका एक डेफिनेट वेवलेंथ होता है सबका भी अपना अपना। सो ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डिविएशन डिफर्स, सो सबका वेवलेंथ क्या होगा, एंगल क्या होगा, अलग अलग रहता है फिर। सो रेड है सबसे कम डिविएट होता है, वायलेट सबसे ज़्यादा डिविएट होता है, सो डिफरेंट कलर्स डिविएट एट डिफरेंट एंगल्स टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। सो इसीलिए अलग अलग कलर्स अलग अलग डिफरेंट एंगल्स में बेंड होता है यानी डिविएट होता है फिर, सो टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। ओके दिस इज दैट रीजन। ओके सो अब देखना है ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स के बारे में है। देखो रिकॉम्बिनेशन में टू आइडेंटिकल प्रिज्म लेते हैं, एक को हम इरेक्ट रखेंगे, दूसरे को हम इन्वर्टेड रखेंगे, इन्वर्टेड यानी उल्टा रखना है फिर। सो उसके बाद एक राइट साइड की तरफ आपको एक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन आपको लगाना है, और लेफ्ट साइड की तरफ एक वाइट लाइट सोर्स होना चाहिए फिर। ओके सो सबसे पहले वाइट लाइट पास कराएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट प्रिज्म दैट इज पी क्यू आर में तो डिस्पर्स हो जाएगा, कितना कलर्स में डिस्पर्स होगा, 7 कलर्स में होगा फिर। एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया दैट इज पी डैश क्यू डैश आर डैश, सो इन्वर्टेड रख दिया, उल्टा रख दिया। सो उसके बाद देखना चाह रहा था कि कलर्स आएगा कौन सा बोल के, तो जैसे ही वो कलर्स बाहर निकला, वो बाहर निकलते ही कलर्स दूसरे प्रिज्म में गया, दूसरे प्रिज्म में सारा डिविट होकर वापस एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट से वाइट लाइट फॉर्मेशन करने लग गया, उस जो स्क्रीन में दिखने लग गया वाइट वाइट पैचेस। सो इस तरह से जो फॉर्मेशन हो गया, सो वाइट लाइट से फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट प्रिज्म में 7 कलर डिस्पर्स हुआ, सेकेंड प्रिज्म में रिकॉम्बिनेट होकर और वाइट लाइट फॉर्मेशन करा, स्क्रीन के ऊपर वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है। तो इसमें सर आइज़क न्यूटन ने बताया सर। ओके सो एक्सप्लेन देखना, नेक्स्ट भी देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन का एक्सप्लेन देखो, आइज़क न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आइज़क न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि व्हाइट कलर में जो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है जो फिर। फर्स्ट पॉइंट ही पास्ड सनलाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर्स। सबसे पहले सनलाइट को पास किया ग्लास प्रिज्म में, एक बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखाई दिया। सेकेंड देखना, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स फर्दर बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म अहेड ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम, बट ही फेल्ड टू ऑब्टेन मोर कलर्स। सो इन्होंने कोशिश करा कि स्प्लिट हो रहा है तो उसके सामने और एक थोड़ा सा उसके सामने और एक प्रिज्म रखेंगे तो वो स्प्लिट होकर और भी बहुत ज़्यादा कलर्स दिखाई देगा बोल के सोचा उन्होंने, बट इट इज़ इट फेल्ड, लेकिन वो फेल्ड हो चुका था फिर ये। सो थर्ड में देखना है, ही फॉर्म्ड ए स्पेक्ट्रम फ्रॉम ए सनलाइट
and placed an identical but inverted prism in front of prism forming the spectrum. All the seven colors combined by the inverted prism and emerged as white light. देखो सारे जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है जो सनलाइट से ही, सो उसे आइडेंटिकल होना चाहिए बट इन्वर्टेड प्रिज्म रखना चाहिए उसके और एक के सामने. एक तो सीधा रखेंगे प्रिज्म और दूसरा उल्टा रखेंगे प्रिज्म को फिर. सो दोनों भी आइडेंटिकल है, देखने में एक जैसे हैं. सो इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम, वो प्रिज्म के सामने स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होने लगा. ऑल सेवन कलर्स कम्बाइंड, एक साथ कम्बाइन हो गया फिर बाय द इन्वर्टेड प्रिज्म. जब सामने इन्वर्टेड प्रिज्म रखा तो पूरा एक साथ कम्बाइंड होकर सो एंड एमर्ज एज वाइट लाइट, और पूरा एमर्ज हो गया एक साथ मिल गया तो फॉर्मेशन क्या करा, वाइट लाइट को फॉर्मेशन करा फिर. ओके सो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो आप रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रिज्म का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉट इज रेफर्ड एज वाइट लाइट. So any light that forms a spectrum similar to that of sunlight is referred as white light. So एक कोई भी light मानो, so forms of light है, इस spectrum similar to the sunlight is referred as white light. So spectrum किसके similar में होगा, so that of sunlight referred as white light. जो white light है ना तो वो है सिमिलैरिटी होगा, तो सेवन क्लास में स्प्लिट करके बता देगा आपसे. ओके रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल यू टेक केयर योर सेल्फ, बी सेफ. ओके.